साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। फरीदाबाद लोकसभा के होडल शहर में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण के साथ रोड शो को निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। होडल शहर में जगह जगह फूल बरसाकर भाजपा नेताओं का स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जनता में मोदी जी को लेकर बहुत उत्साह और जोश है। एक तरफ भाजपा की जीत होगी, मोदी जी ने विदेशों में देश की पहचान बनाई है जिससे लोग मोदी जी के दीवाने हैं। जनता फिर से मोदी जी को पीएम बनाना चाहती है क्योंकि विकास और सुशासन को 5 साल जनता ने देखा है। लोगों में जोश भी है, उत्साह भी है और आज सुबह से होटल में है, हर वार्ड का आज दौरा किया है और रोड शो में लोगों में जो उत्साह है, जो जोश है वो देखते ही बनता है और लोगों ने एक तरह से माहौल बता रहा है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना तय कर लिया। देखिए, विकास तो हमारा एजेंडा है, विकास और सुशासन ये लोगों ने 5 साल में देखा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कॉलेजों की बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, सड़कें हो, ये सारे काम लोगों ने देखे 5 साल में उस विकास के नाम पर भी। और मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकार देश के लोगों को 5 साल में दी है उसको भी देखकर लोग वोट दे रहे हैं और दुनिया में भारत की जो पहचान बनाई है, जो प्रतिष्ठा दिलाई है, उसको देख के भी लोग मोदी जी के दीवाने हैं। मुकाबला कैसा है, कितनी वोटों से जीत होगी? लेकिन निश्चित तौर पर कहीं दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, अपने ही पुराने रिकॉर्ड से मुकाबला है और निश्चित तौर पर जो हमारा पुराना रिकॉर्ड पिछले साल का है उसको इस साल हम तोड़ेंगे, तो अपने से मुकाबला अपना है। मंत्री जी, आज कुछ विरोध हुआ, कुछ लोगों ने कहा, क्या कारण है? कोई विरोध, जो हताश और निराश लोग हैं, जो राजनीति में पिट गए हैं और वो चुनाव से पहले चुनाव हार गए हैं तो उस बौखलाहट में अपनी खिसियत निकाल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। और 12 तारीख को वोट पड़ेगा और 23 तारीख को उनको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। ये पता चला कौन सी पार्टी के थे वो? देख, कोई भी हो, ये वो लोग हैं जो चुनाव मैदान में कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, जो हमारे सामने जिनका कुछ टिक भी नहीं रहा है और एक तरह से वो हार मान बैठे हैं और जो हार की बौखलाहट में वो इस तरह के ऊंचे हथकंडे अपना रहे हैं। उसमें जनता हमारे साथ है, मतदाता हमारे साथ है और एक तरफा जीत होगी।